दोस्तों, भेज किचन निजी कुकिंग लाइफ में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ओल की भुजिया या ओल की सूखी सब्जी, जिसे मैंने 100 ग्राम ओल लिया है, थोड़ी सी अदरक ली है और एक आधा टमाटर लिया है, उसे क्रश कर लिया है। अब मैं बनाती हूँ। अब एक कढ़ाई ली हूँ, उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। गैस ऑन कर दी हूँ। छोटी चम्मच से आधा चम्मच जीरा, एक छोटी चम्मच तिल के दाने डाल देंगे। अब ये जल जाएगी तो इसमें मैं टमाटर और हींग डालूंगी। अब जीरा चटक चुकी है, तिल चटक चुकी है, अब इसमें एक चुटकी के करीब हींग डाल देंगे। इसमें आधी कटी टमाटर थी, एक छोटी चम्मच अदरक रख दिया हुआ डाल रही हूँ। मैं प्याज और लहसुन वगैरह नहीं डाल रही हूँ, ये दिवाली पर खाए जाते हैं। और चीज़, कोई भी चीज़ बनाकर, चाहे वो सब्जी हो, भुजिया हो या चटनी हो, कुछ भी, इसलिए मैं आज दीपावली है तो ओल की भुजिया बना रही हूँ, सूखी ओल की सब्जी। अब टमाटर भुज गई है, मैं ओल डाल दे रही हूँ। स्वादानुसार नमक, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, आधा छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर। अभी से अच्छी तरह मिलाऊंगी। ये ओल की भुजिया जो है वो ठंडा के दिन में ज़्यादा खाई जाती है, क्योंकि ओल जो होती है वो बहुत गर्म होती है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है भुनने के बाद। मैं इसकी गीली सब्जी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में बच्चे लोग गीली सब्जी नहीं खाते हैं, इसकी भुजिया ही पसंद करते हैं। इस ओल को मैंने पहले से ही उबाल दिया था। Thank you.
गैस को लो लो मीडियम पर इसे फ्राई किया कीजिएगा ताकि ये तेज तव पर जलने लगेगी। अब मेरी भुजिया बनके तैयार हो चुकी है। इसमें एक चम्मच के करीब धनिया पत्ता डालेंगे। अब गैस ऑफ कर दे रहे हैं। अब इसे अच्छी तरह मीठे में मिला लेंगे। इसे खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और जल्दी भी बन जाती है। अब मैं सर्व करती हूँ। अब मेरी ओल की भुजिया तैयार है। देखिए दोस्तों, इसे खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कभी बनाकर देखिए मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं एक रेसिपी और बताने जा रही हूँ जो ओल की चटनी है। इसे मैंने पहले से उबाल लिया है और इसे अच्छी तरह से क्रश करूँगी। अभी अच्छी तरह से चूर हो चुकी है। अब इसमें सब मसाले ऐड करेंगे। इसकी चटनी भी खाने में बहुत अच्छी लगती है जब इसे बनाया जाता है। जैसे मैं दोपहर को बना रही हूँ, जैसे कल सुबह से खाना है, इसे कल सुबह से खाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि तुरंत बना कर खाने से इसका स्वाद कुछ भी नहीं लगता है और सुबह से खाने से इसमें स्वाद आ जाता है। ये घर में, मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है इस चटनी को। और अगर आप तीन चार दिन तक खाना चाहते हैं तो कल के बाद इसको रात भर बाहर ही रखेंगे और कल के बाद आप फ्रिज में रख कर इसे तीन चार दिन तक भी खा सकते हैं। अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। अब मैं स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ। आधी छोटी चम्मच हल्दी डाल पाउडर डाल दें। आधी छोटी चम्मच हींग डाल रही हूँ। जो लहसुन प्याज लहसुन डाल सकते हैं इसमें, अगर आप लहसुन खाते हैं तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। दो छोटी चम्मच हरी मिर्च कटी हुई, इसमें सरसों के तेल, तीन चम्मच सरसों का तेल, बिना जले हुए तेल डालना है। अब इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी। इसको खाने के लिए, पूरी तरह तैयार होने के लिए रात भर इसे छोड़ना होगा बाहर में। ढककर बाहर में आप रख दें और सुबह ब्रेकफास्ट के साथ खा सकते हैं।
ये भी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। सत्तू के पराठे हुए, आलू के पराठे हुए, कुछ के साथ भी लोग खा लेते हैं, बहुत पसंद से लोग खाते हैं इसे। इसे ओल की चटनी भी बोलते हैं, ओल का गांजा भी बोलते हैं। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ये मेरी ओल की चटनी और ओल की भुजिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। थैंक यू।